कॉल से चालू हो जाएगी खेत की मोटर। सुनने में अजीब लगा ना, लेकिन नीमच के 11वीं के छात्र राहुल धाकर की इजाद ही यही है। राहुल की जिद बस इतनी थी कि जुगाड़ से ही कुछ ऐसी जुगत लगाई जाए कि उसके गांव के किसानों को केवल मोटर चालू करने के लिए मीलों दूर खेत तक न जाना पड़े। जिद थी, जुनून था, तो कामयाबी तो मिलनी ही थी। उसका उद्देश्य हमारे लिए, हमारे मतलब सुविधा के लिए बनाया है। जैसे कि पहले अपन खेत बल से और इनसे करते थे, अपन जो बैल होते हैं उनसे अपन खेत को जोता करते थे, आज की लाइन में ट्रैक्टर से जोत रहे हैं। इसलिए हम पहले हाथ से चलाया करते थे घर से आगे, पर अब तो घर से ही ऑलरेडी चल जाएगा। बंद 11वीं में पढ़ने वाले राहुल धाकड़ा ने दो छोटे मोबाइल के साथ 5 रिले, 4 होम रजिस्ट्रेशन, 3 वाइब्रेटिंग मोटर लगा ये पूरा सिस्टम तैयार किया। और इस तरह से किया कि किसान घर बैठे बस मिस्ड कॉल देंगे और खेत में मोटर चालू हो जाएगी। मिस्ड कॉल से मोटर चालू होगी और मिस्ड कॉल से ही बंद। खेती को देखते हुए बनाया, हमको घर से आना जाना 3-4 किलोमीटर दूर पड़ता है खेत, और यहाँ खेती में करंट इलेक्ट्रिसिटी की सेफ्टी हो गई अपने, और इसलिए हमने बताया था कि हमें कहीं आने जाने में कभी प्रॉब्लम ना हो। और ये इसलिए बन गया था कि हम फोन करके इसे बंद कर देते और चालू कर देते, ताकि यहाँ हाथ लगाने की 11 फेज की व्हाट्सएप में हाथ लगाने की टेंशन दूर, ताकि किसी को झटका लगने से कोई दिक्कत नहीं। इसे बच्चे भी चालू कर सकते, बड़े भी चालू कर सकते। 2000 रुपए के खर्च से बन जाने वाला ये जुगाड़ किसान की जेब पर बड़ा बोझ भी नहीं, लिहाजा धीरे धीरे नया गाँव के किसानों ने राहुल धाकड़ की इस इजाद को लेकर अपनी दिलचस्पी भी दिखाई है। किसानों का कहना है कि इससे समय की बचत तो होगी ही, साथ ही ईंधन भी बचेगा। किसान खुश है कि उनके गांव से भी अपने अंदाज में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हो गई। दिक्कत तो क्या, शादी में घर से निकल के जाता है, 10 बार मोटर बंद होती है, 10 बार घूम के जाना पड़ता है, तो हो जाए तो मतलब ऑटोमेटिक बहुत अच्छा है। मतलब बस टाइम की बचत होगी और पेट्रोल ही चलाना पड़ेगा हर आदमी का आजकल, बहुत सुविधा हो जाएगी। जिले के सीवी रमन क्लब के सदस्य राहुल ने हालांकि ये प्रोजेक्ट अपने स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी के लिए बनाया था, लेकिन जब उसकी इस प्रदर्शनी को सराहना मिली तो अपने शिक्षक की सलाह पर उसने अपने ही गांव में अपने इस आविष्कार का पहला इस्तेमाल और प्रदर्शन किया, जो कामयाब भी रहा। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली काम इस तरीके से करता है कि एक स्टार्टर होता है, एक मोबाइल होता है, 3 रिले होती है, 3 अपने पास में चार्जर की बैटरीज होती है, और एक 100 ओम का जो है रेजिस्टेंस होता है। ये इसमें रॉ मटेरियल लगता है और इसके बाद में इसको कंपाइल करके इंस्ट्रूमेंट तैयार कर दिया जाता है। अब एक बार फिर देखिए कि ये मोटर काम किस तरह से करती है। राहुल ने अपने मोबाइल से किसी को फोन नहीं लगाया, अपने खेत में लगी मोटर को मिस्ड कॉल दिया है। उधर मिस्ड कॉल मिला और उधर पानी की मोटर चालू होने के साथ ही खेत में पानी भिड़ने लगी, यानी एक तरफ मोबाइल का सिम और दूसरी तरफ से मोबाइल की घंटी मिलकर जो कारनामा करती है वो आपके सामने है। ये भी अब इसमें आगे करने की कर रहे हैं कि अगर लाइट खेत पे आ गई है और बाई चांस 15-20 मिनट आधा घंटा लेट भी आती है, तो वो भी हमें घर पे पता चल जाएगी अपने खेत पे अभी लाइट उपलब्ध है, तो अपन फोन करके इसे चालू कर सकते हैं। और बिना मतलब की अगर लाइट नहीं आ रही है तो फोन नहीं उठेगा, नहीं कटेगा, और जो हमारा फोन लगा हुआ है इसमें उसके अंदर कंपनी के फोन मैसेजेस सभी। तो छोटे छोटे गांव से भी ऐसे गुदन के लाल निकल आते हैं, धूल से सने बचपन में तैयार हुए ऐसे हीरे, जिनकी इजाद से सिर्फ किसान ही सुकून में नहीं है, उनके खेतों को भी मुस्कानी की वजह मिल गई है।